इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने जायज़ कैश का बैलेंस यानी आपके जायज़ कैश अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं किस तरह चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं मैंने डायल किया वो *786#। आपने भी अपनी सिम से इसी तरीके से चेक करना है, बैलेंस डायल कर देना है। जैसे मैं डायल करके दिखा देता हूँ *786#। ठीक है, इसी तरह सेव टू पर मेरी जायज़ कैश वाली सिम है तो यहाँ पर मैं डायल करके दिखा देता हूँ। और डायल करने के बाद दोस्तों इसी तरह के ऑप्शन आएंगे, सेंड मनी, पे बिल, तीसरे नंबर पर मोबाइल लोड बंडल रेडी कैश, पांचवें नंबर पर पेमेंट और छठे नंबर पर माई अकाउंट। आपने लिखना है 6, यानी आपने अपने अकाउंट की डिटेल में जाना है, माई अकाउंट लिखा हुआ जो वहाँ पर सेंड कर देना है। तो सेंड करने के बाद दोस्तों एक नंबर पर मैनेज पिन उसको छोड़ देना है, दूसरे नंबर पर आपको वाज़े लिखा हुआ चेक बैलेंस तो आपने 2 लिख कर सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे तो वो आपसे मांगेंगे इंटर योर 4-डिजिट M-PIN, ठीक है ना। इसकी फ़ीस भी 0.25 पैसे काटेंगे आपसे, ठीक है। तो आपने जो अपने जायज़ कैश का जो 4 हिस्से का कोड है जो लगा हुआ आपने वो यहाँ पर डायल कर देना है। मैंने लगा हुआ है 7585, ठीक है, ये मैं 7585 लिख कर सेंड कर देता हूँ। आपने अपने पिन लिख के सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इसकी डिटेल आ चुकी है और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा जो मेरे पास भी अभी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो 12,052 रुपये वो देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ गया है। तो 12,052 रुपये 61 पैसा योर अवेलेबल बैलेंस जायज़ कैश मोबाइल अकाउंट, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये 25 पैसे और डेट भी चेक करने की बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने जायज़ कैश के जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन इसमें आपके पैसे खर्च होंगे 25 पैसे। जिस टाइम भी आप चेक करेंगे 25 पैसे आपके चेक करेंगे काटेंगे वो लोग, ठीक है। इसी तरह आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपने लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।